तो इस वक्त ना हर हिंदू की एक ही इच्छा है कि उसको अयोध्या जाने को मिले, राम मंदिर में जाने को मिले, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण जो है वो शुरू हो चुका है और वहाँ जाने की इच्छा तो आपकी पूरी हो ही जाएगी। लेकिन उससे पहले करनाल में 1100 सुंदरकांड पाठ आयोजन किए जा रहे हैं पुरानी सब्जी मंडी में। आप सोचिए कि कितनी पावन वो धरती होगी जहाँ पर एक साथ सैकड़ों पंडित पहुँचेंगे और 1100 सुंदरकांड के पाठ किए जाएंगे। आप लोगों को भी एक न्योता देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जय श्री राम श्याम सेवा मंडल से सभी आयोजक, तो उनसे एक बार बातचीत करते क्या कुछ खास रहने वाला है। और इसके अलावा भजन कीर्तन संध्या भी होगी प्रभु इच्छा तक, सुबह 9 बजे से शुरू होकर चलने वाला है। 2 जनवरी को आप सब लोगों को पहुंचना है अब पुरानी सब्जी मंडी में। अब क्या कुछ खास होने वाला है उसके लिए एक बार बातचीत करते हैं। तो क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ इन्विटेशन आप देना चाह रहेंगे हमारे व्यूअर्स? जय श्री राम जी। मैं सभी करनाल वासियों को दानवीर करनाल की कर्ण की नगरी में एक सुंदर आमंत्रण दिया जा रहा है कि अयोध्या राम मंदिर के उपलक्ष्य में जो रामलला हमारे विराजमान हो रहे हैं, जनवरी में 22 जनवरी को उनकी प्रतिष्ठा है और विश्व जागृति कल्याण, विश्व में जागृति हो, हम सभी राममय बने, हमारा सबका जीवन राममय है क्योंकि राम सबके देवता है। राम सब जगह निवास करते हैं, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ भगवान का वास ना हो। तो अयोध्या में इतने लोग उत्सुक हैं जाने के लिए, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए इतना सारा वर्ण तैयार है आज जाने के लिए, इसलिए हमने सोचा कि चलो अपना यहीं ही भगवान का गुणगान कर लें। तो 1100 सुंदर कांड पाठ पुरानी सब्जी मंडी 2 जनवरी दिन मंगलवार को आयोजन किया जा रहा है। कई ब्राह्मणों के द्वारा 1100 सुंदरकांड का पाठ होगा जिसमें सभी करनालवासी, सभी भक्तजन का हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है और सभी आकर के आए और इस धर्मार्थ का लाभ उठाएं और राममय, सभी का जीवन राममय हो, सबके जीवन में सुंदरता है। सुंदरकांड का भाव ये है कि जिसका जीवन सुंदर हो जाता है, जिसका जीवन सुंदर हो जाता है, सुंदरकांड का पाठ करने से हमारे चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है? नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। सुंदर कांड का पाठ करने से सब प्रकार के अमंगलों का हरण हो जाता है, मंगल हो जाता है। इसी उद्देश्य को लेकर के कि सबके घर में मंगल हो और सबके जीवन में मंगलमय जीवन हो, ऐसी धारणा का ध्यान करते हम सभी ने मिल करके, ये हमारी राम श्याम सेना मंडल है और सभी भक्तों के सहयोग से ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। और शाम को महायज्ञ होगा, इसके बाद बालाजी महाराज और खाटू श्याम का महासंकीर्तन और भंडारा। तो अयोध्या राम मंदिर का उपलक्ष तो है ही है, साथ ही साथ 2 जनवरी को महायज्ञ होने वाला है, तो नया साल मनाने का भी एक बहुत ही खूबसूरत तरीका होगा ये। और क्या कुछ रहने वाला है, जैसे महायज्ञ है, भजन कीर्तन है, भंडारा है और सबसे खास कि 1100 सुंदरकांड के पाठ एक ही दिन में होने वाले हैं। बातचीत करते हैं थोड़ी, तो क्या कुछ आप न्योता देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, क्या कुछ खास रहेगा, नया साल भी होने वाला है, बताइए। देखिए, नया साल जो है ये बड़ा पावन पुनीत है हमारे लिए और सबके लिए। ये जो पूरे संसार में हैं, हमारे बच्चे, बुजुर्ग, माता पिता, भाई बहन, सबके लिए ये पावन पुनीत है। दूसरी चीज, ये जो अवसर है, ये अवसर बार बार मनुष्य को नहीं मिलता। एक समय होता है जिसे कहते हैं कि जब मनुष्य के प्राण पखेर उड़ते हैं, अंत राम कहीं आवत नाहीं। अंत समय में राम कहने में बड़ी तकलीफ होती है, तो मैं सभी लोगों से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सब लोग राम जी के विराजमान होने के समय में ये सब हरियाणा के करनाल के सभी लोग मिल करके अयोध्या वालों को बधाई दें, अयोध्या वालों को, सबको, अयोध्या वासियों को, जनकपुरी वालों को, सबको बढ़िया बधाई दें यहाँ से। और ये सब लोगों तक यह सूचना पहुँचाएँ, सब लोग आमंत्रण हैं, सब लोग आएँ
हर घर से एक आदमी जुड़े इसमें, और मैं चाहता हूं कि जन जन तक ये पहुंचे आपके माध्यम से। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप लोग 2 तारीख को भी सब लोग विराजमान होंगे। बीच में अगर आप लोगों का मौका लगे इस कार्य को बढ़ाइए जितना हो सके जन जन में, क्योंकि ये धीरे धीरे हैं, ये भक्ति है, ये लुप्त हो जाएगी इस तरह में। इसमें ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए। आप भी राम का पावन लेना चाहते हैं, पावन नाम लेना चाहते हैं, राम का ध्यान करना चाहते हैं नए साल के उपलक्ष्य में, तो आप इसका हिस्सा जरूर बन सकते हैं। और भजन कीर्तन आपके द्वारा होने वाला है, तो आप क्या कुछ खास न्योता देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सबसे पहले मैं करनाल न्यूज का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैडम आप आए हैं इस हमारे इतने बड़े विशाल कार्यक्रम में जो होने जा रहा है करनाल में 2 जनवरी 2024 को, जो कि शुरुआत इतनी जबरदस्त हो रही है। यू नो वेरी वेल अबाउट दैट कि हम चाहते हैं कि श्री राम जी का और बालाजी का आह्वान हमारे करनाल से शुरुआत हो। तो ये 1100 सुंदरकांड के पाठ जो होने जा रहे हैं करनाल में, और सैकड़ों ब्राह्मणों द्वारा एक साथ मिलकर ये जो आह्वान कर रहे हैं बालाजी का, श्री राम जी का, तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और इस कार्यक्रम में एज ए सिंगर मैं कीर्तिमान सिंगर टी सीरीज, इसमें मैं पूरा दिल से भजन गाऊंगा, बालाजी को मनाएंगे, हम सब मिलकर मनाएंगे, सहयोग करेंगे इस कार्यक्रम में, ताकि कार्यक्रम हमारा मैडम हिट हो। इसमें आपके सहयोग की बड़ी जरूरत रहेगी। तो मैं एक बार पुनः आप सभी से यह आह्वान करता हूँ, हाथ जोड़कर सभी पत्रकारों भाइयों से, आप लोगों से, क्योंकि आप बहुत अच्छे हमारे करनाल न्यूज का अपना नाम है, हमारी शुभकामनाएं हैं आपको, आप इस कार्यक्रम में आकर हमें सपोर्ट करेंगे मैडम। तो सभी आइए, सभी मेरे करनाल वासियों से, सभी बाहर से भी मेरी प्रार्थना है कि आप सब पहुंचे इस कार्यक्रम में। देखिए पिछले साल की अगर बात की जाए तो हिंदुओं के लिए सबसे सुनहरा पल रहा जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, और इस साल की शुरुआत भी जो आने वाला आगामी साल होगा उसकी शुरुआत भी अगर राम नाम से की जाएगी, और उस मंदिर के उपलक्ष में जब खास तौर पे इतना भव्य आयोजन होने वाला है उससे उसमें शामिल होकर की जाएगी, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है? संदीप साहिल जी भी यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे। आप किस तरीके से न्योता देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए मैं ये कहना चाह रहा था कि जो प्रोग्राम है, ये कार्यक्रम नए साल के आगाज पे हो रहा है, जो अंग्रेजी कैलेंडर होता है उसके वर्ष से नव वर्ष शुरू हो रहा है, और 1100 जो सुंदरकांड पाठ होने, बहुत भव्य आयोजन है, क्योंकि ऐसा आयोजन करनाल में तो कभी हुआ नहीं, और बिना किसी राजनीतिक मंच के सभी लोग इसमें आ सकते हैं, सभी का आमंत्रण है, सभी लोग आएँ, और सब सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं को जो है न्योता दिया जा रहा है। और खास बात यह है कि जो सारी श्री राम श्याम सेना मंडल है, वो सब जो परिवार के लोग हैं वो सब लगे हुए हैं, हितेश जी, हैप्पी जी, आशीष जी, जिन जिनको मैं जानता हूँ, पंडित जी ने बड़ी परफॉर्मेंस दी है, और पंडित जी ने सबके बारे में बताया है, तो सभी साथियों का हम आभार व्यक्त करते हैं, और सभी साथी लगे हुए हैं, और जब सबकी भूमिका है तो मुझे लगता है कि प्रोग्राम भव्य होगा, अच्छा होगा, और सभी को आमंत्रित किया। शाम के समय जो है बालाजी खाटू श्याम बाबा की एक संध्या है, उसमें आप आएंगे सब अच्छा लगेगा। सबका आभार। जय श्री राम, जय श्री श्याम। देखिए हर साल न्यू ईयर्स पे पार्टी और सेलिब्रेशन तो रहता ही, इस बार हम कुछ और अलग कर सकते हैं, जैसे कि करनाल में पहली बार इतना भव्य आयोजन होने जा रहा है जहाँ पे 1100 सुंदरकांड के पाठ का आयोजन होने वाला है, उसके बाद खाटू श्याम बाबा का भजन कीर्तन संध्या रहने वाली है, महायज्ञ होने वाला है, तो आप सब लोग भी पुरानी सब्जी मंडी पहुँच सकते हो, 2 जनवरी को न्यू ईयर भी वहाँ पे सेलिब्रेट करें, और साथ ही साथ राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसके उपलक्ष्य को भी यहाँ पे मनाया जा रहा है, तो आप सब भी इस भव्य आयोजन में शुमार जरूर होंगे। भव्य नारंग, करनाल, ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल। तो ये भव्य आयोजन के आयोजक भी यहाँ पर है, उनसे एक बार जानते तो क्या कुछ खास रहने वाला है, पहली बार करनाल में इतना बड़े लेवल पे इस तरीके से 1100 सुंदरकांड का पाठ होने वाला, कुछ बताएंगे? देखिए मैं दीपक चौधरी, मैं आयोजक भी हूँ, हम सब इसके आयोजक हैं। पहली बात तो ये है, ये करनाल की धरा पर जहाँ जहाँ ये मेरी आवाज़ करनाल न्यूज़ के माध्यम से पहुँच रही है, वो सभी आयोजक हैं इस प्रोग्राम के। इस प्रोग्राम के अंदर हमने एक नाम दिया है, कई बार नाम होता है, नाम देना ज़रूरी होता है, कुछ जैसे सरकारी कामों में NOC के लिए हमें किसी संस्था पे नाम दे के चलना पड़ता है, इसमें देखिए हमने कितना सुंदर नाम दिया है इस संस्था को, श्री राम श्याम सेना मंडल। इसमें राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, और साथ में श्याम है। भगवान क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना है, जो यूथ आज की डेट में नशे में और
अन्य व्यभिचारों में जाता जा रहा है, वो ये नहीं सोच रहा कि मेरे को भगवान के राम के नाम में जाना है। देखिए कितनी अच्छी बात है कि बाबा नानक ने क्या कहा, गुरु नानक देव जी ने कहा कि नाम खुमारी नानका चढ़े रहे दिन रात। तो नाम जो है, नाम से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और ये श्री सुंदरकांड पाठ हम 2 तारीख को जो है, 2 जनवरी को श्री राम मंदिर के उपलक्ष्य में करनाल की पवित्र धरा करनाल तो हमेशा सदा पवित्र रहा है। ये राजा कर्ण की नगरी है, दानवीर कर्ण की नगरी है। इस नगरी के अंदर कोई भी धार्मिक प्रोग्राम होता है तो वो बड़े ही भव्य तरीके से होता है और उसमें प्रभु की सदा कृपा बनी रहती है। इसी प्रकार मैं चाहूँगा श्री राम जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से सुंदरकांड का जो पाठ है 2 जनवरी को पुरानी सब्जी मंडी करनाल के अंदर होने जा रहा है। और इसमें सबसे पहले मैं थोड़ा सा प्रोग्राम की आपको रूपरेखा बता देता हूँ कि 2 जनवरी को सुबह 9 बजे हम सुंदरकांड पाठ शुरू करेंगे सैकड़ों ब्राह्मणों के साथ। कि आप सब कुछ जान चुके हैं और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, बढ़ चढ़कर भाग लें, आप सभी का यहाँ स्वागत है। उसके बाद ये प्रोग्राम जो है, जो सुंदरकांड पाठ जो है, ये 1100 सुंदरकांड पाठ होंगे। एक दिन में 1100 सुंदरकांड पाठ पूरे विश्व के अंदर पहली बार होने जा रहे हैं, जहाँ तक मेरी मुझे जहाँ तक समझ है। अगर किसी ने किया है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखिए, हम जब ये पाठ करेंगे तो ये सुबह से लेके रात के 9 बजे तक और आगे प्रभु इच्छा तक ये प्रोग्राम रहेगा। पहले सुंदरकांड पाठ होंगे, सुंदरकांड पाठ के बाद इसमें महायज्ञ होगा, यज्ञ के बाद इसके अंदर भजन कीर्तन होंगे, जिसमें कीर्तिमान जी हमारे पार्श्व गायकार हैं टी सीरीज से, और भी अन्य प्रमुख गायक कार दिल्ली से आने वाली पार्टियां इसमें भजन का गुणगान करेंगी। इसमें श्री बालाजी का गुणगान होगा, राम नाम का गुणगान होगा, खाटू श्याम का गुणगान होगा। तो आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि बढ़ चढ़कर इस प्रोग्राम में आएं और आप पुण्य के भागीदार बने। इसकी कोई फीस नहीं है, इसका कोई किसी के साथ डोनेशन नहीं है। अगर कोई तिल फूल देना चाहता है, वो अगर आप भंडारे सेवा में अगर आप करना कुछ भी योगदान करना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, आप सभी का स्वागत है। मैं अगेन बार बार एक बात कहूँगा कि तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी जंगल की घास, जो पड़ी कृपा राम की तो हो गए तुलसीदास। तो ये लीजिए कि राम की कृपा से तुलसी जो है वो तुलसीदास बन गए और तुलसी जो जंगल की घास है वो पवित्र पूजने योग्य हो गई। तो आप सोचिए कि अगर आप राम नाम का गुणगान करेंगे, श्री सुंदरकांड पाठ करेंगे, तो इससे बढ़िया कोई आपका सौभाग्य नहीं है। तो बार बार अनेकों बार आपसे विनती है कि अपने परिवार के सदस्यों के साथ बढ़ चढ़कर इस सुंदरकांड पाठ की बेला में आप अपना पुष्प और अपना पहुँचने की कृपा करें। धन्यवाद। आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? जैसा कि हमारे बड़े भाई दीपक जी ने बताया आपको, 2 जनवरी को 1100 सुंदरकांड पाठ होने जा रहा है करनाल में, तो ये विश्व रिकॉर्ड होने जा रहा है 1100 सुंदरकांड पाठ। तो मैं सभी देशवासियों से यही कामना करता हूँ कि आप इस पाठ में पहुँचे, करनाल पुरानी सब्जी मंडी में पहुँचिए। तो ये हम इतना ही कहना चाहेंगे, जय श्री राम श्याम सेना मंडल की तरफ से। सभी जो हमारे मेम्बर हैं वो बहुत मेहनत से कार्य कर रहे हैं, तो हम यही कहना चाहेंगे, जय श्री राम। आप बताइए। जय श्री राम, जय श्री श्याम। सभी करनालवासियों को मेरा कोटि कोटि नमन। और भैया, 2 जनवरी को जो भी प्रोग्राम करनाल में होने जा रहे हैं, वो सबसे पहले तो अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के रूप में होने जा रहे हैं। सभी करनालवासियों से निवेदन है कि इस प्रोग्राम में ज़रूर आएँ, राम जी का और श्याम जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और मेरा कोटि कोटि प्रणाम यही रहेगा कि इसमें भंडारे का आयोजन भी है। और सभी करनाल वासियों से निवेदन है कि करनाल में और जितने भी मंडल हैं वो भी श्री श्याम जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और करनाल में जितने भी नगर वासी हों, चाहे जो भी जो छोटे मोटे लोग हों, सभी को मेरा कोटि कोटि पर यही निवेदन है कि इस प्रोग्राम में ज़रूर आए और राम जी का और बालाजी महाराज का, श्याम जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री श्याम।